देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज एक और नई रिएक्शन वीडियो लेकर आए हैं, जरा देखिएगा। मजा आए तो कमेंट जरूर करिएगा अपना फेवरेट पार्ट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए वीडियो पे चलते हैं, लेट्स गो। कुछ नहीं ब्रो, डेडलिफ्ट कर रही थी और कोई मेरी 5 किलो की। अरे भैया, 5 किलो की प्लेट में तो बाकी डेड हो जाएगा भाई आदमी, 5 किलो की प्लेट उठा के। तो भाई इतना वजन तो हम खुद पर्सनली जिम कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन यार इतना वेट नहीं उठा पाया हमने भी आज तक। ये तो भाई लिटरली डेड लिफ्ट है ये, 5 किलो का वजन उठाना तो भाई लिटरली डेड लिफ्ट है भाई। आई मुश्किल ढील दी। नेक्स्ट सेट में क्या करूंगी अब, क्या एक ही प्लेट है क्या पूरी जिम में है? एक ही प्लेट है क्या 5 की? वुमेन ही इज प्रोबेबली चीटिंग ऑन मी हिम फाइंड हैप्पीनेस दैट्स इजी व्हाट डज हैप्पीनेस स्टार्ट्स विद एच सो मूवीज के ड्रामा एनीमे हैव एच इन इट नो व्हाट अबाउट मांगा नो बट देयर इज अ एच इन ये जोक तो भाई कम ही लोगों को समझ में आएगा अब, लेकिन अब जिनको आएगा तो उनको आ गया होगा, इसलिए आगे बढ़ रहा है। शकल देखो, शकल में हरामी पना है उसकी भाई। अपनी लव स्टोरी यही खत्म, अब जा घर बसा ले अपने दूल्हे के साथ। काश अपने बापू से बात करने की हिम्मत जुटा ली होती तो आज तेरा ब्याह ना मुझसे हो रहा होता, उस मल्लिका से नहीं। कोई ना, तूने भी बूंदिया लूटी, मैंने भी लूटी, जितनी कटी अच्छी कटी है। अच्छा, शादी के बाद मिलोगे ना मुझसे? ब्याह के बाद ना जी ना, अपनी पॉलिसी है पराया टीवी और पराई बीवी, ऑन ना करो भैया करंट लगेगो। करंट लगेगे बहुत सारी, अभी तो खूब चार दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करंट लग रहा है उसके बाद में, बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया। My wife told me to be more in touch with my feminine side. अच्छा। So I crashed the car. अरे भाई, ओ हाय हाय, too much feminism for the day, यार too much feminism for the day भाई। And then ignored her all day for no reason. भाई 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 ने फेमिनिज्म को थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लिया एकदम। अरे इंडिया में आप कर ली थिंग्स, पीपल विद कर्ली हेयर आर टायर्ड ऑफ हियरिंग। ये नहीं रख सकते ना, कभी भी नहीं। कमाल है आपके दोस्त आपको जीने थे, मैगी नूडल्स पता नहीं क्या क्या, बहुत नूडल्स? ये कैसे नूडल्स हैं? नूडल्स से ज्यादा तो मैक्रोनी लग रहा है। नहीं लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बात तो सही है, तारीफ को मिलती है अपनी दोस्तों से। अच्छा, बहुत ज्यादा दोस्तों से भाई तारीफ तो मैं वैसे ही किसी चीज के लिए सुनने नहीं मिलती यार, वो दोस्ती के जो तारीफ करते यार है। एक दिन ऐसे ही एक बच्चा बोलता कि भैया नाइस हेयर यार, तो मैंने कहा क्या बात है यार, बच्चा तारीफ कर रहा है, मैं खुश हो गया थोड़ा, कहता कर ले हेयर कटा नाइस नाइस नाइस, मैं थैंक यू, कहता मेरे झांट के भी ऐसे ही है। He's not a kid anymore. वो बच्चा नहीं रहा भाई अब। वो बड़ा हो गया और उसका भी। अरे हम पढ़ नहीं पाए। अरे ये बुक क्यों नहीं हो रही, तू शुरू से शुरू क्यों नहीं हो रही है? ओपन मी अप। Daddy, come on, Daddy. Now taste it. Let's
मुंह तो बंद करो अंकल. Like it? We're Come on. कैसी ये मांग जाने बातें करा रखा है? ठीक है ये लोना. आपने I'm not eating Oreo ever again in my life. भाई क्या क्या खिला दिया भाई यार ये. जा पूछ क्या. कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है. भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप. अगर कोई लड़की देख रही है तो भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई. Saw this and wanted to try it with my husband. Wait for it. When I lose control. कर लेंगे थोड़ा वेट कर लेंगे. इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है. इसी को ट्राई करना था ना है? इसी अभी इसके पहले उसके लिखा था यू वांटेड टू ट्राई इट विद माय हस्बैंड. ये क्या है बताओ. वो खुद ही कह रहा करो करो करी हमें नहीं करना हमें नहीं करना. अरे जब नहीं करना तो सब बुलाया क्यों उसको यहाँ पे. अगला काम धंधा छोड़ के बैठा आपने. वुमेन यू आर नोटिसिंग गर्ल्स डांस ऑन दिस सॉन्ग. कौन सी गली में मासूक को बुला रही भाई. ये दीदी जरा देख के गली में अंधेरा ज्यादा. सॉरी सॉरी सॉरी. अब तू समझ ले अच्छे से. इंजीनियरिंग सॉल्विंग अच्छा इंजीनियरिंग सॉल्यूशन टू मदर इन लॉ प्रोग्राम. अरे रुक जा भाई बार बार नहीं समझाऊंगा. अच्छा बार बार वो कह रहा है बार बार नहीं समझाएगा वो. इधर मेरी मम्मी इधर तेरी मम्मी इसकी मम्मी दुनिया के बाहर क्यों है. क्यों उसकी मम्मी दुनिया के बाहर क्यों है भाई. अच्छा पॉइंट है वो उसका लिखा अंदर. अच्छा अच्छा ठीक. सॉरी सॉरी सॉरी. मेरी मम्मी की बहू इधर तेरी मम्मी की बहू. उसकी भी मम्मी की बहू. उसकी मम्मी का वो नहीं होगा दामाद. नहीं मेरी मम्मी ने तुझे ताना मारा तेरी मम्मी ने अपनी बहू को ताना मारा. ताना अच्छा। ताना कैंसर अच्छा। दुनिया गोल है. इधर के किए हुए पापों का फल इधर भुगतना पड़ता है. अच्छा अच्छा दोबारा मत पूछ. बेटा तुम्हारा नाम क्या है. अच्छा बेटा तुम्हारा नाम अंकल. अंकल मेरा नाम तो मन है. और बेटा तुम्हारा नाम क्या है. ए अंकल मेरा नाम तो तन है. मन भी फूक रहा है और तन भी फूक रहा है. मन तो नॉर्मल लग रहा है. फिर क्यों है ये तन हाई. अरे भाई ये क्या भाई तन हाई. अरे भाई इतना खतरनाक ह्यूमर भाई कहाँ से पैदा होता है ये ह्यूमर भाई. ये तो बुद्धि खराब कर दी इसने तो हमारी यार. अरे भाई रुक जाओ. अरे दीदी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. कुछ लफड़ा है इसमें. मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ. अच्छा एक्चुअली मैं टेंथ में हूँ. इन मैच आउट मत समझना क्योंकि
मैच्योरिटी कम्स बाय एक्सपीरियंस नॉट बाय ओके मैच्योरिटी की बातें करेंगे जाओ दीदी दसवीं में है अभी और लाइफ में देखा है मैंने बहुत कुछ अच्छा क्या देख लिया दीदी आपने लाइफ में क्या देख लिया ऐसा बताओ आपने क्या देख लिया केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट देख लिया क्या आपने क्या आपने 12th का टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट आपने 10th में कर लिया क्या देख क्या लिया ऐसा आपने स्टूपिड भी मत समझना बट मैं हूं अच्छा स्टूपिड तो मैं समझ नहीं रहा कि ना आप स्टूपिड हो अच्छा अच्छा ठीक है वुमेन आयरनिकल बात कर रही दीदी तो एकदम मैंने एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड से झूठ बोल दिया था कि मैं 11th में हूं अच्छा आप 11th में हो बॉयफ्रेंड से झूठ बोल दिया अच्छा अच्छा क्यों क्योंकि मैं उसे बता देती कि मैं 10th में हूं तो वो मेरे को छोड़ देता अच्छा 11th में क्या मतलब जैसे 10th के कम से कम क्या 5 साल बाद 11th करता आदमी क्या हैं हमारे यहां तो हाल ही हो जाती 10th के बाद 11th पर वही हुआ उसको पता चल गया था मैं 10th में हूं और अभी मैं उस वो मुझसे 8 साल बड़ा है मुझे पता है एज इज नॉट द फैक्टर इन रिलेशनशिप कैसे फैक्टर नहीं है रिलेशनशिप में यार 8 साल बड़ा है वो यार जी अभी 10th में है वो ग्रेजुएशन करके एमए कर चुका और जी अभी तक 10th में ही है बट वो नहीं समझ रहा वो बोल रहा है मेरे पेरेंट्स मना कर देंगे ये वो तेरे लिए मैं झुक गया था मुझे अभी खुद पे शर्म आ रही है मैंने एक बच्ची को डेट किया छोटी बच्ची हो क्या समझ नहीं आता मैं कैसे समझाऊं उसे मैंने झूठ बस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बोला था साले का खोपड़ी तोड़ साले का अरे रुक जाओ सर आ गए सर आ गए सर आ गए अरे सर वैलेंटाइन डे है आप समझते ही नहीं हो कोई बात को यार है आपकी इस क्लास के चक्कर में उसको फिर अगली एक्स्ट्रा क्लास नहीं मिलेगी समझा तो बोलो सर आपको समझते ही नहीं है बात को यार बीच वाली है